राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब? आप सब का आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पश्चिमा में स्वागत है। और आज है दिन शनिवार और इस टाइम पे 2:30 हो चुके हैं, यानी 2:30 बज चुके हैं। और मैंने अपना बस वीडियो का काम किया है। वीडियो का काम करने के बाद, यानी अपलोड, टाइटल, थंबनेल, बहुत सारे काम होते हैं, वो करने के बाद मैं अब तैयार हुई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे। कहाँ पे जाना है चलो मैं बता देती हूँ। मुझे जाना है सत्संग में। कई दिनों से मेरा बुलावा आ रहा है, लेकिन फ़ोन के कारण मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरी माँ हर रोज़ बोलती है कि सीमा तेरे को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, माँ चाहे बुलाओ चाहे ना, जब तक फ़ोन ठीक नहीं होगा ना, तब तक तो मैं जाऊँगी नहीं। और फ़ोन ठीक हो जाएगा उसी दिन मैं चले जाऊँगी। तो फिर कल मेरा फ़ोन ठीक होकर के आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज सत्संग में चलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। और सावन लगा हुआ है, तो लेडीज भजन गाती हैं, डांस करती हैं, खूब मज़े करते हैं वहाँ पे। तो आज हम भी मज़े करेंगे। और बस अब मेरी माँ मुझे बोल करके गई थी कि सीमा 2 बजे आ जाना, 2 बजे चलेंगे। और पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरी माँ को नींद आ गई। तो अब देखूंगी, नीचे जाऊंगी, उठाऊंगी, और फिर जया को भी लेकर के जाना पड़ेगा साथ में। वैसे तो आराध्या आने वाली है, लेकिन आराध्या के पास तो नहीं रहेगा। मास्टर जी का कुछ अता पता नहीं किस टाइम आएंगे, वरना वो रख लेते। तो जय को देखती हूँ, कपड़े पहनाने पड़ेंगे, वो ऐसे ही रहता पूरा दिन। और मेरी माँ को भी उठाती हूँ, फिर देखेंगे चाय पी करके जाएंगे, वैसे ही जाएंगे। ये चाय पी करके चले गए तो नींद नहीं आएगी, वरना वही बात है, थक जाते हैं ना इस टाइम तक, आंखें बिल्कुल वो हो जाती हैं फोन का काम करते करते। तो ये होता है कि भाई हाँ चाय पी लेते हैं। और सच बताऊँ ना, आज मजा आया, मन तो कई दिन में वीडियो बना के धक्का ही जी करे है वीडियो बनाने में, है ना, इतना प्यारा आवे इसमें। तो चलो फिर अपना आड़ा तो कर दें, गेट गेट दरवाजे बंद। और आज मिस्त्री नहीं आए, और मेरे पास ना आज कमेंट आए हैं कि दीदी ये तो पुरानी क्लिप है आपके, तो वहाँ पे अब काम हो रहा है। तो मैंने बता रखा है कि ये ना पुरानी क्लिप है, देखो वो पुरानी क्लिप थी, मैंने बताया तो है, जिस दिन फोन टूट गया था वो उस दिन की क्लिप थी। तो आज आए नहीं, आज फिर गायब है हमारे मिस्त्री। तो देखेंगे आएंगे या नहीं आएंगे। आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फुर्सत में कर लेंगे वो भी और हम भी, ठीक है। तो घुंघरू टूट जाएगा, घुंघरू डाल लिए। अरे मैं डाल लूँ अपना यू ट्राईपोड, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। हाथ में ना कितना ही मतलब वो करो, फिर वीडियो ना हिलती रहती है ऐसे, फिर मज़ा नहीं आता। तो चलिए नीचे चलते हैं, मेरी माँ को देखते हैं क्या कर रही है। तो मैंने आड़ा नीचे आके देखा है, मेरी माँ सो रही थी, साथ में जो है भी सोया है वो अंदर सो रहा है, मेरी माँ बाहर सोई थी यहाँ पे। और फिर मैंने उठाया कि माँ चलना नहीं है कि, तो फिर उठी और एक बारी देख के फिर उल्टी, फिर आँख बंद कर ली। मैं खजी तो करे है सोन का, पर इबनू हो गया भी कहीं की होगी, कन्नू सोचा कि मन ने तो कह दी। बाकी मेरी माँ अब हर रोज़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि वही हो जाता है ना, काम जल्दी बन जाता है सुबह में, और फिर आराम भी कर लेते हैं 2 बजे तक, तो कितना ही आराम कर लो। 2 बजे के बाद ही जाती है, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे ही जाती है हर रोज। और फिर 4, 4:30 बजे तक वहाँ पे अपना भजन सुन के, और फिर आगे फिर अपने काम पे लग जावे हम, तो ठीक टाइम पास हो जाए है। और मतलब बढ़िया लग है यू सिस्टम में, मतलब कि ये जो वारिका की ताई है वो इकट्ठी होवें, भजन गावें, थोड़ी बहुत बोलें बतलावें, इनका भी मन और डाल होवे। क्योंकि वह बात हो है भाई, देख सबके घर की जो सिचुएशन है ना, वो सबकी अलग अलग हो, और किसी ने किसी तरह का दुख, किसी ने किसी तरह की सोच, ये तो सबके गल अलग ही हुए है ना। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सुखी तो कोई बंदा पाओगा, चाहे किसी ने भी देख ली हो, सबके कोई ना कोई टेंशन, सबके कोई ना कोई दुख मिला ही मिला है। तो अपना थोड़ा बहुत आवें, टाइम पास करें, भजन गावें, राम का नाम लेवें, तो अच्छा लगे है। और ई बस आड़ा सारियाँ गन हो रही थी, बेटी मैं आऊँ, मेरा फोटो आवे है। मैं खा रुक जाओ, सब का लेऊंगी। और फिर बोली तू बैठे ना, इसने ना लावे हाथ में लेकर नु फोन घुमा के हमने सारियाँ ना लिए। और जब मैं शुरू में गई थी ना पिछले साल आड़े, तो बहुत खुश हुई, बोली बेटी सारी दुनिया तो आवे फोन ना, मैं बस आमने को नहीं कोई लेने वाला फोन ना, मैं बता हम के करा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, तुम ना फोन में डट जाओ, छीक लोगी फोन में आगे, कितने गालियों बुलाए तो जाए। फिर मेरे ना भी ना अपना टाइम देखना पड़ा है, क्योंकि भी कदे कपड़े धोने, कदे कुछ करना, मतलब एक्स्ट्रा काम है ना कुछ हो वही है, टाइम भी को नहीं लगता। फिर एक आधा दिन फिर बीच में कदे कदे मैं अपना टाइम काट के चली जाऊं।
तो जया के पास में छोड़े हम आराध्या ने, और वैसे तो मैंने मास्टर जी के पास भी फ़ोन कराया था, बोले 15 मिनट में घर पर पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद फिर मेरी माँ ने दूध निकाला, बोली सीमा धार काट दूँ, फिर तेरा काका आके फिर कुछ कुछ बोलेगा। और मैं बोली मखमा ठीक है इतना धार काट ले, और मैं बना लूँ अपनी दनुआ की चा चाह पी के और फिर चलेंगे, और दूध भी निकल जाएगा तो फिर डर भी को नहीं रहे, फिर तो नू हो जाएगा भाई, किसी टाइम आओ कोई टेंशन को नहीं रहेगी। डर तो के है ले, फिर भी नू है थोड़ा बहुत, आदमी भी रड़ान लायक जाए थोड़ा सा हो जाओ भी, चल अपना यू काम भी करके चले जावा, तो फिर तो अपना इसे काम है भी थोड़े से वारी बन जाएंगे, है नहीं करना तो हमने ही है, थोड़ा सा वारी कर लेंगे आराम थोड़ा अपना, नू तो को नहीं रहेगा भाई, हाई काम पड़िया हाई काम पड़िया। तो इब हम अपने आड़े पहुँच गए हैं, कई भजन तो इनने गा लिए थे, तो ही बैठे बैठे नाचना शुरू कर दिया, थोड़ा सा देख लो फिर करेंगे बाकी बात। मैंने दिखाया थोड़ा सा डांस, और थक गई थी, बस दो ही टप्पिया में, बस दो ही टप्पिया में नाचा जाया अगर गीत में या भजन में, क्योंकि ना मतलब दूसरे ने देखने में नू लगा भाई बहुत सहज सहज नाचा है, बिल्कुल जोर को नहीं लगाते, लेकिन ना पैर इतने तेज दर्द करने लग जाया अगर मेरे, कुछ का तो क्यों है ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जोर में भी ना पूरा शरीर आ लिया करे उनका, मेरा शरीर ही नहीं हिलता, मेरे तो बस इशारे इशारे हुए हैं, और पैर बहुत ज़्यादा, पैरों पे बहुत जोर वो है, पैर ना मैं बहुत तेज़ से मारूँ नीचे तो पैर बहुत तेज़ दर्द करने लग जाया अगर मेरे, दो ही टप्पे में बिल्कुल नो हो जाएगा अगर बस बैठ जा। तो फिर कह रही थी कि पूरा तो करते, मैं ना मेरे बस की बात को नहीं, पूरा बहुत मुश्किल करा करूँ मैं गीत ने, तो मैं चलो बैठे बैठे नाच लेंगे, बैठ के पूरा कर देंगे, जब भजन शुरू हो गया तो फिर भजन छोटा को नहीं कर दे बीच में, मैं तो बैठ के नाच दूंगी। और देखो भी मारे नाचण में और जो मारी है काकी ताई है इनके नाचण में ना बहुत फर्क है, हम तो बस वही बात है आले जावा मड़े मड़े टाइम पास करा, ये जो जोर लगा हुआ है नी यो जोर तो हमारे पे एक टप्पे में भी नहीं लग गया जो सा, ये जोर कई कई ये जो बैठी है ना मतलब कि कई कई बजना में मैंने साथ एक साथ डांस कर दी, देखी पूरा जोर लगा, देखी भी होंगी थोड़ी सी मैंने एक झलक सी दिखाई थी इनकी, बहुत जोर लगा के नाची थी। तो यो सारा ना खान पीन का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इब दूध घी भी छूट गए सबके, और फिर हर चीज़ में ये खाद दवाई ज़्यादा डालने लग गए लोग, तो कुछ दम तो किसी चीज़ में रहा ही नहीं, फिर आदमी में दम कितना होता जब खाने की चीज़ें में दम नहीं रहा, थोड़ा थोड़ी सी मेरी माँ भी डांस करके देखा थी, बाकी सीख लिया मेरी माँ ने, पहले बिल्कुल भी नहीं आया करता, हाथ भी नहीं लाने आया करते। ये
बहुत सारे भजन गाए, नाचे भी और कथा भी बोली थी। लेकिन मेरी सताई को रही थी भाई, मैं मोदी का गीत गाऊंगी, मैं मेरा जिक्र है, तो मैंने कहा महताई गा दे, सुन लेंगे हम भी। तो बहुत खुश हो रही थी सुन सुन के सारी, जो करके मोदी की सच्ची में एक पथड़ी लेके आऊँगा, मैं खाओ खा लियो बिस्कुटर घेवर, मोदी ने तो मुझे नाश कर दिया, कई तो जमा बिठा के दिए, पाछला साल गया, 21 साल गया, प्राइवेट धंधे कर करके अपने बच्चों का पेट भर रहे थे, पर वे भी नहीं छोड़े, मार दिए कर्जा दड़ा। और मखा मोदी ने तो पीड़ी एर को थड़ी और बात सबकी में कट्ठा दे दिया। किसकी है यार? ना किसकी है? तेरा है? खड़े आप दिखा फिर। डर पड़ा नहीं है फिर। मम्मी मैं आया, मैं आया, सही है, सब आया। और मैं लुकूं जी, मखा 28 नंबर ले आऊं, मैं जय का ड्रेस ले आऊं, जय राधु की लिया 28 नंबर की। तो चल इसकी या तो फिर खड़ा का निशान लाए गए हैं, हम तो ठीक था। खड़े हो बड़ी तो नहीं पहन, रुक जा इस कार्ड पे तो कोनी आंदी भी लुटना, कार्ड पे तो किमे भी कोनी आंदा, काय नंबर लिया चाहे काका मैं भी पास दे दे दा पूरा टक्का रुक एक बारी बड़ी बड़ी से राम राम जी। तो इस टाइम पे 6:30 हो चुके हैं शाम के, और 5 बजे हम वहाँ से चले थे, मतलब मंदिर में गए थे, और फिर बस थोड़ी देर रेस्ट किया 10-15 मिनट, उसके बाद फिर अपने काम पर लग गए थे। और सब्जी काट लिया मैंने, मैं बनाऊंगी आज आलू टमाटर, क्योंकि बाकी और कोई सब्जी है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं, और मेरी माँ का ये बड़ा मैस होगा काम, क्योंकि ना सोचा तो मैंने ये था कि मैं बाहर रखूँगी गैस, तो बाहर बैठ करके ना आराम से बनाएंगे, लेकिन बारिश आने शुरू हो गई तो फिर वो कैंसिल हो गया, तो यहीं पे बनानी पड़ी। और ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं, तो वैसे ही बहुत अजीब सी वो लकड़ी की वो हो रही है ना नाक में, वैसे ही बहुत बुरा हाल हो रहा है, वहाँ बैठा ही नहीं जाता खाना, तो फिर कहाँ बनेगा वहाँ पे। तो चलो अपना नीचे कर लेते हैं खाना के ना, और इस बोतल के लिए ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पहले आए हैं मतलब जब देखी थी ये एक वीडियो में, पता नहीं हमने उस दिन ब्रेड बनाए तो उस दिन देखी थी शायद, कि बताना ये कहाँ से ली, कितने की ली। तो बोतल हमने नहीं ली, बोतल मेरे पास रखी हुई थी ये दो इस तरह की, बाकी जो डिजाइन की थे ना वो मैंने ये तो बाहर चला था बेटे, वो तो मैंने वैसे ही मतलब डेकोरेशन करने में उनको यूज कर लिया। ये दो मेरे पास सिंपल सी थी और देखने में बहुत अच्छी थी, तो ये मैंने रख ली थी पहले ही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी लंबे टाइम से, तो फिर मैंने ना ये ऊपर की ये मंगवाई थी ये वाली चीज़। और ये आई है 85 की 3 आई है शायद, चार आई है 85 की आई है शायद, पता नहीं कितनी आई होंगी, 85 की या 185 की मुझे याद नहीं, मैं बाद में बता दूंगी इनसे पूछ करके, इनको बताया। तो दो ये मैंने लगा ली हैं दोनों बोतल पर, और एक दो मैंने रख दिए हैं, फिर बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, मुझे याद आ गया था, तो मैं सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ,
तो अब डाल देते हैं अपने मसाले। तो मसाले डाल दिए सारे जो कि हमारे मसालेदानी में होते हैं, और थोड़ा सा मिलाएंगे। और अब यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं मैंने, थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि नीचे ना लगे। और अब जो नमक है वो भी डाल देंगे। तो बस अब मसाले को पकाएंगे, और मसाला जब पक जाएगा अच्छी तरह से तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे जो आलू है वो भी डाल दिए हैं। तो पानी डाल करके सब्जी को ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। राम राम जी। तो सब्जी रख करके आ गई हूँ, और अब रोटियाँ बनानी रहती हैं, वो जा करके बनाऊँगी। मैं नहाने के लिए आई हूँ, नहा करके कपड़े चेंज करके जाऊँगी, क्योंकि इनमें ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। ये कपड़ा गर्मियों में नहीं सुहाता है, और साथ में थोड़ा सा मुझे ना टाइट भी हो गया ऊपर से, तो थोड़े से कंफर्टेबल होगा जो सूट वो पहनूंगी, और उसके बाद फिर अपना जो बाकी का काम है वो करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी जो किचन है ना वो दिखा देती हूँ, आज कई लोग कन्फ्यूज हो गए थे। तो चलो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, और फिर नहा करके कपड़े चेंज करके फिर चलते हैं नीचे, खाना बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि गर्मी में पसीने में बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये इतना जो काम है वो हो चुका है, बस इस पे जो प्लाई है मेरे हिसाब से वो लगनी रहती है अभी, तो ऊपर सारा काम कंप्लीट हो गया। और ये जो सामने है ना, मतलब जो स्टील के रैक के आगे लगाया इससे इस साइड है, यहाँ पे जो शीशा है वो लगेगा, और यहाँ पे ये नीचे जो बर्तन रखने के लिए लगवा लिए हैं, जिसमें मतलब कि हम अपने जो भी बर्तन होते हैं वो सारे रख लें। ये देखिए चक्षु लेकर के आई है कोथड़ी का सामान, इसकी दादी की कोथड़ी आई है, दादी की आई है, अनु को मम्मी की आओगी जब तो मेरा ही पटेगा मटोर गांव से। तो यहाँ पे चक्षु आई है, ये ज्योति की बड़ी बेटी है, और आराध्या से ये मेरे हिसाब से 3.5-4 महीने छोटी है। तो कोथड़ी आई है इसकी दादी की, वो देने के लिए आई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ रही थी, और जय मेरे हाथ में से छीन रहा था, उसको ये हो रहा था कि मम्मी कहीं फ़ोन में से सच्ची ना खिला दे इनको और मैं रह जाऊँ। देखिए जब ये थोड़ा सा सामान आता है ना अच्छा लगता है, जब घर में आएगी ना तब नहीं खाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना इसलिए। और मेरे हिसाब से ना सबके साथ ये होता है, जब दूसरे के घर में कोथड़ी आती है ना और थोड़ा सा भी सामान दे करके जाते हैं तो वो इतना अच्छा लगता है, और जब हमारे खुद के घर में आती है ना तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक ज़्यादा सामान रखा रहेगा तब तक तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, फिर ये हो जाएगा ना धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, तब जाकर मन करेगा। पहले जो मावे वाला घेवर वो खाएंगे, फिर सिंपल घेवर खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे, फिर पतासे वो बिस्किट और सुवाली खाएंगे, और फिर सबसे लास्ट में जब कुछ नहीं रहेगा ना तो तब फिर पतासे अच्छे लगने लगते हैं। तो मैंने बात मारते मारते अपना आटा भी ला लिया, और अब अपने जो रोटी हैं वो भी बनानी शुरू कर रखी हैं। तो बस अब रोटी बनाऊंगी, उसके बाद अपना खाना खा के और फिर चलाएंगे ऊपर। तो मेरी माँ ने चला रखी थी चाकी, ईब बंद कर दी है, और बस ईब जो भैंस है वो प्लाट में तागी थी बांध दी हैं, धुआं कर दिया था, या देखो आग जला दिया अगर मतलब धुआं हो जाए इनका आन था पहले, और फिर इन बांध के ईब जब यू धुआं निकल जाएगा ना सारा बाहर, तो फिर जो मच्छरदानी है ना वह अपने ला देंगे, तो फिर ये ठीक आराम से बैठी रहेंगी सारी रात। तो किसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, कमेंट करके लाइक कर दियो, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।